फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी कि फाइमा की तरफ से कल 29 दिसंबर सुबह 8 बजे के बाद से यह अनाउंसमेंट की गई है कि हम सुबह 8 बजे के बाद से किसी भी तरीके की जो मेडिकल सर्विसेज दी जाती है, मेडिकल ट्रीटमेंट किए जाते हैं एक्सेप्ट इमरजेंसी को छोड़कर, हम जो है उसका कोई भी इलाज जो है वो नहीं करेंगे। जितने भी फाइमा के अंदर जो डॉक्टर आते हैं उनकी तरफ से ये सीधे तौर पर एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी कर दी गई है। इससे पहले हम बता दें, क्योंकि एक लंबे अरसे से यानी कि कुछ दिनों पहले से ही जो है नीट पीजी की जो है परीक्षाएं पास हुई थी, रिजल्ट निकला था, उसके बाद जो है इसकी काउंसलिंग की जो है लगातार डिमांड की जा रही कि जल्द से जल्द जो है इसकी काउंसलिंग की जाए, लेकिन जो काउंसलिंग थी वो लगातार डिले हो रही थी, जिसको देखते हुए डॉक्टर्स जो है उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। और कल उस प्रदर्शन को लेकर डॉक्टरों द्वारा जो है एक मार्च निकाला गया। जब वो मार्च निकाल रहे थे, उस मार्च के दौरान जब पुलिस वहां पर थी, उस पुलिस के द्वारा जो है उन डॉक्टर्स पर लाठी चार्ज किया गया। और जब वो लाठी चार्ज हुआ, उसके बाद जो महिला डॉक्टर्स उसमें थी या पुरुष डॉक्टर्स उसमें थे, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है ये बताया जा रहा है कि इंजरीज आई हैं, जिसके बाद डॉक्टर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा निराश हैं। उन्होंने कहा कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुली अपनी मांगों को लेकर बात रख रहे थे, पीसफुली हम मार्च भी कर रहे थे, तो फिर पुलिस द्वारा डंडा जो है वो क्यों चलाया गया, इस तरह की बर्बरता की हरकत जो है वो क्यों की। उसके बाद से ही डॉक्टरों का गुस्सा और जो है वो देखने को मिल रहा है। उस तरह से सामने चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो सामने आ रही है, तो उसमें यही बताया जा रहा है कि डॉक्टरों द्वारा ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि कल से यानी कि 29 दिसंबर से हड़ताल की ऐलान जो है वो डॉक्टरों द्वारा कर दिया गया है। ये फाइमा यानी कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज की तरफ से कहा गया है, और इसमें आरडीए यानी कि रेजिडेंशियल जो डॉक्टर्स रहते हैं उनकी एसोसिएशन भी इनके साथ है। उन्होंने कहा है कि 29 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मेडिकल जो सेवाएं देते हैं वो हम फिलहाल जो है उसे बंद कर रहे हैं। उसके बाद जो है जब तक, अगर उससे पहले ही हमारी जो बात है वो मान ली जाती है, और जिन भी पुलिस के जो लोग थे उनके द्वारा जो ये हरकत की गई है उन्हें सस्पेंड करने की भी मांग की जा रही है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर हम पीसफुली ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुली अपनी मांगों को लेकर सामने आ रहे थे, तो फिर इस तरह की जो हरकत है वो पुलिस द्वारा की क्यों की गई है। और जिसने भी इसका जो है यानी कि जिसने भी ये इस तरह की हरकत करवाई है, जिस भी पुलिस वाले ने करवाई है, उस पर कार्रवाई की मांग जो है वो डॉक्टरों द्वारा की जा रही है। उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो दिल्ली पुलिस की इस तरह की बर्बरता द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, ये चौंकाने वाली बात भी है। और रेजिडेंशियल डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज और महिलाएँ डॉक्टर्स भी इसमें बताया जा रहा है, और कई वीडियोज़ भी इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही है। जिस वीडियो में देखा जा रहा है कि जो धक्का मुक्की और जो डॉक्टर्स लेडी डॉक्टर्स थी उनके साथ जो है पुलिस ने की है, उन्हीं चीज़ों को देखते हुए अभी जो डॉक्टर्स हैं, जो उनकी एसोसिएशन है, उनके द्वारा ये कहा गया है अभी तक हम पीसफुली ये चीज़ें कर रहे थे, लेकिन जिस तरह की हमारे साथ ये हरकत की गई है उसके बाद हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। या तो उन पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर हम कल से 29 दिसंबर सुबह 8 बजे के बाद से अपनी जितनी भी सेवाएं जो हम पेशेंट्स की चीज़ों को लेकर करते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, इमरजेंसी को छोड़कर हम वो कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो नहीं दे रहे हैं, ना ही वो करेंगे। लेकिन इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पर चीज़ें सामने आ रही थी, क्योंकि लोगों को परेशानियाँ यही आ रही थी, क्या जो दिल्ली के डॉक्टर्स हैं, दिल्ली के जो एम्स के हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, या फिर इस एसोसिएशन के अंडर जो डॉक्टर्स आते हैं, अगर उनकी ये नेशन वाइड जो स्ट्राइक उन्होंने अनाउंस की है, अगर सभी, अगर स्टेट की बात की है, यूटी की बात की जाए, क्या सभी इनके बातें मानने वाले हैं, सभी की रजामंदी जो है मिल गई है। इसको लेकर जम्मू की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो चिंतित दिख रहे थे। लेकिन अभी जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो ये है कि जो हमारा यहाँ का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, या हमारे जितने भी यहाँ पर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि हम अभी किसी भी तरह का समर्थन जो है इस स्ट्राइक को नहीं देने वाले हैं। उन्होंने यही हवाला दिया है, क्योंकि अभी जिस तरह का सिचुएशन पूरे भारत में बना हुआ है, खासकर अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, यहाँ पर जो सिचुएशन बनी हुई है पहले से ही ओमिक्रॉन को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा अभी जो है चीज़ें संभाली जा रही हैं, कोविड का भी अभी सिचुएशन देखी जा रही है, और काफ़ी ज़्यादा अभी भी जो पेशेंट्स हैं, जो जीएमसी की बात की जाए, गांधीनगर हॉस्पिटल की बात की जाए, या फिर और जो अलग हॉस्पिटल हैं कश्मीर की भी बात की जाए, तो वहाँ की सिचुएशन देखते हुए हम इस नेशन वाइड स्ट्राइक को फिलहाल जो है ये कहा गया है कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि अभी बातचीत चल रही है, लेकिन ये अभी बात सामने जो आ रही है उसमें यही कहा गया है कि यहाँ जम्मू की बात की जाए या कश्मीर की बात की जाए, अभी फिलहाल इनके द्वारा या इनकी एसोसिएशन द्वारा, इनके डॉक्टर्स द्वारा कोई भी
नेशन वाइड की जो स्ट्राइक हुई है, दिल्ली में जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं उनको किसी भी तरह का समर्थन की बात अभी नहीं कही गई है। तो ये एक जो है सुकून की बात सीधे तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित जो थे वो हो चुके थे, जिस तरह से डॉक्टर्स द्वारा ये कल ही प्रेस रिलीज निकाली गई थी, जिसमें जो रेजिडेंशियल डॉक्टर्स एसोसिएशन है और जो फाइमा के लोग हैं उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो मैन हैंडलिंग की गई है, जो लेडीज़ डॉक्टर थी उनके पास, उनके साथ भी जो पुरुष जो मैन हैंडलिंग, जो मेल पुलिस ऑफिसर या मेल पुलिस के जो जवान थे उनके द्वारा जो की गई है बर्बरतापूर्वक जो हरकत सामने आई थी, उसको देखते हुए डॉक्टर्स का रोष काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने को मिल रहा था। दिन रात वो इस तरीके का जो है प्रोटेस्ट उनका यही कह रहे हैं कि अगर इस तरह की हरकतें सामने आएंगी तो किस तरह से हमारा भरोसा जो है वो पुलिस पर हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम पीसफुली हर चीज़ कर रहे थे, पीसफुली हमारा मार्च भी था वो चल रहा था, हम किसी को भी आहत जो है वो नहीं पहुंचा रहे थे, लेकिन जिस तरह की ये हरकत सामने आई है उससे डॉक्टर्स जो है काफ़ी ज़्यादा आहत है। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर की तरफ से, जम्मू कश्मीर के जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से इस नेशन वाइज स्ट्राइक को कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है, और बाकी स्टेट्स की बात की जाए तो उनके साथ भी अभी इनकी एसोसिएशन की बात चल रही है, क्योंकि सब लोग ये समझते हैं कि ये सिचुएशन अभी नहीं है आपस में लड़ने की, इस तरह के स्ट्राइक करने की, क्योंकि लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मुश्किलों में है, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत जो है वो लोगों को काफ़ी चाहिए, कई बीमार लोग अभी भी हॉस्पिटल में आ रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको जो एक्सीडेंटल केस आते हैं, जो इमरजेंसी के केस आते हैं, हालांकि इस स्ट्राइक में ये कहा गया है कि इमरजेंसी केस हम नहीं बंद कर रहे हैं, उसके लिए स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी ट्रीटमेंट के लिए भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है। लेकिन फिलहाल जम्मू में लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीधे तौर पर हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा ये कहा गया है फिलहाल हम इस नेशन वाइज स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फिलहाल जो दिल्ली की बात की जाए तो वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस बनी हुई है, अब वहाँ के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको देखना होगा और कहीं ना कहीं कुछ एक्शन ज़रूर लेना होगा ताकि वहाँ की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में रहे, और जो डॉक्टर्स स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं, स्ट्राइक पर जाने की बात कर रहे हैं, उनको भी वहाँ किसी न किसी तरीके से इस स्ट्राइक पर जाने से रोका जाए और उनकी जो डिमांड है उस पर भी कहीं ना कहीं उन पर आश्वस्त जो है वो किया जाए। फिलहाल इस पूरी अपडेट से दीजिए इजाज़त, दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।